साइक्लोन मोका बांग्लादेश के तट पर पहुंच चुका है। इसके चलते म्यांमार के भी कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि यहां 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं ये रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा कि मोका पिछले 2 दशकों में देश में आया सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है। इसकी वजह से देश का केरल आइलैंड सेंट मार्टिन के डूबने का खतरा है। फिलहाल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और मछुआरों से समुद्र में ना जाने के लिए कहा गया है। मोका शनिवार रात मध्य और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसका असर दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर भी पड़ सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साइक्लोन के चलते अगर बाढ़ या लैंडस्लाइड होता है तो ये बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर स्थित रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर सकता है। इस रिफ्यूजी कैंप में करीब 8,80,000 रोहिंग्या रहते हैं। 5,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान बीते 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।